नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह की चर्चाएं हमारे देश में होती रहती है और उन चर्चाओं का एक माहौल भी बना जाता है, क्योंकि अगर माहौल नहीं बनेगा तो चर्चाओं का होने का लाभ क्या। खैर, यहां पर चर्चाएं कभी चुनावों पर चलती हैं, कभी ये चर्चाएं धार्मिक हो जाती हैं, कभी ये चर्चाएं यात्रा पर हो जाती हैं, कभी ये चर्चाएं ट्वीट पर हो जाती हैं और कभी ये चर्चाएं बयानों पर हो जाती हैं, और बयान भी तब जब यहाँ पर संघ प्रमुख के बयान पर ही हाय तोबा मची हुई है, पर लोग उस बयान को समझेंगे तो शायद उसका समर्थन भी करेंगे। हालांकि समर्थन भी आया है, उनका बयान हुआ और बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि उनके बयान पर लोग अमूमन देखते थे कि विरोध करते थे, पर यहाँ पर विरोध नहीं है और उनके बयान पर समर्थन भी मिला है। अगर बयान की बात कहें तो इसके पहले भी तमाम तरह की उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, जिस तरह से दिल्ली में मुलाकात की थी सुलेह विलासी से, उसके बाद कहा जा रहा था कि अलग तरह की पटकथा है, पर उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है क्योंकि उनके वो मित्र हैं। खैर, पर आज जो बयान है वो भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बयान ये था कि उन्होंने साक्षात्कार के दौरान ये बात कही कि इस्लाम के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, बस अपने आप को बड़ा ना समझे और जो पहले राज करने वाली व्यवस्था रही है उसको ही ना समझें, क्योंकि देश सबका है और देश की जो राष्ट्रीयता है उसको हमको देखना, उसकी भावना को निभाना है, तभी आने वाले समय में कुछ बेहतर भारत का निर्माण हो सकेगा। और निश्चित रूप से बेहतर बात भी है, क्योंकि अगर हम पुरानी व्यवस्थाओं को या पुरानी चीज़ों को ही फॉलो करते रहें कहीं ना कहीं जो हमारा विचार रहेगा वो विचार खराब रहेगा, क्योंकि अब स्थिति दूसरी है और जिन लोगों ने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उन पन्नों को शायद अगर बेहतर के लिए पलटते तो शायद बेहतर ही संकल्प मिलता है, बेहतर विचार आते, पर अगर जो क्रियान्वयन खराब हुआ है उसमें खराब दर्ज चीज़ें दर्ज हैं तो कहीं ना कहीं उनका हमको विरोध करना चाहिए, उन कम से कम उन चीज़ों से अपने आप को उदाहरण नहीं लेना चाहिए और प्रेरित नहीं होना चाहिए। खैर, समय समय पर उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं और बयान उनका कहना है कि हमेशा वो देश हित में रहते हैं, चाहे जनसंख्या नीति पे बात करें, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात करें, चाहे किसी मुलाकात की बात करें और चाहे आज के बयान पे करें, कि उन्होंने कहा है किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना के साथ सबको रहना चाहिए और पुरानी जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को वैचारिक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा विषय, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। हम भी ये कहते हैं ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी, लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। मोहन भागवत साहब ने आज एक बयान जारी किया है मुसलमानों की ज़िंदगी पर, मुसलमानों के ऊपर। मोहन भागवत साहब एक हिंदुस्तान में चलने वाले एक एनजीओ के सरसंचालक हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को समझाया है या मुसलमानों को धमकाया है। पहले तो यह तय कर लीजिए, मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे में मोहन भागवत साहब मुसलमानों को कह रहे हैं कि अपने इतिहास की जो उनकी हुकूमतें रही हैं उसके ऊपर उनको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा, उस तरह की बातें नहीं करेंगे मुसलमान। देश का बहरहाल की तरक्की चाहता है, देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, मुसलमान नहीं चाहता कि देश के अंदर बहरहाल हालात खराब हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो और आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफरत के हालात है यहाँ पर। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। मुद्दा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे की चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद किसी न किसी मुद्दे के साथ न्याय नहीं होगा। अगर मुद्दा बेहतर है तो समर्थन होना चाहिए और मुद्दा अगर खराब है या बयान खराब है तो उस पर विरोध भी होना चाहिए। खैर,
और ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय, मैं मेहमान जोड़कर रूबरू करा दूँ। राम निवास भाई भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से चंदेश कुमार सिंह अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारे नेता भाजपा से रहेगा, राम निवास भाई ये बयान क्या है और बयान के मायने क्या है? जिस तरह से यहाँ पर असीम बकार का बयान आया है कि वो धमका रहे हैं, जबकि यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम धर्म के बुद्धिजीवी उन्होंने इस बयान का स्वागत किया है, संजय राउत ने भी स्वागत किया है कि बयान ठीक है, और अगर कुआ कह रहे हैं यहाँ पर सबको कह रहे हैं कि हाँ यहाँ ये देश सबका है, सबको राष्ट्रीयता की भावना निभानी चाहिए और यहाँ किसी कोई खतरा नहीं है, कैसे देखते इस बयान? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो सही है और स्वागत योग्य है, क्योंकि देश में मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन एक विषय ये भी उन्होंने कहा जी कि अगर आप जी अपने जो पूर्व मतलब जो पूर्वोत्तर के आपके शासक रहे, जो उन्होंने जी अत्याचार अनाचार किया है जी, अगर उसकी प्रशंसा करेंगे या उसको अपना समझेंगे कि जो है कि हम पहले शासन में थे, 800 साल रहे, 1000 साल रहे और हमको भी शासन आगे करना है, तो समस्या आएगी। अच्छा, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के भारत को बनाने का काम किया है जी, और निश्चित रूप से सभी धर्म मिलके इस भारत को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। तो सच्चाई यही है जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमको पिछली की अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखानी है कि हम बहुत श्रेष्ठ थे, हम शासक थे। अगर कोई औरंगजेब बाबर को अपना आदर्श मानेगा तो ऐसे लोगों के लिए भारत में समस्या होगी, ये निश्चित है। रमने भाई, पर जिस तरह से यहाँ पर असीम बकार एएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने बयान दिया है कि धमका रहे हैं, धमकाने की फीलिंग कहाँ से उनके अंदर आ गई? नहीं, धमकाने के विषय कोई नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारत को आगे बढ़ाने में सबका योगदान है जी, और अगर मैंने कहा ना कि जैसे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे आप औरंगजेब को अपना आदर्श मानोगे, बाबर को अपना आदर्श मानोगे जिन्होंने सैकड़ों लाखों हिंदुओं की हत्या कराई, मंदिरों को तोड़ा, अगर उनको आदर्श मानोगे तो समस्या आएगी। अच्छा, क्योंकि अब हिंदू समाज या भारत का जो नागरिक है पहले वाला नहीं रहा। अच्छा, कि अब आप डर के काम करेगा, जो जिसका अधिकार है, जो जिसका सम्मान है, उस सम्मान के साथ रहेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इसी में भारत का भला है और हम सबका भला है। ठीक है, प्रवक्ता सभा रविंद्र भाई कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि यहाँ पर समर्थन भी हो रहा है और एक बुद्धिजीवी असीम बकार राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उन्होंने कहा है कि ये बयान तो ठीक है पर लग रहा है जैसे समझा नहीं धमका रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर? आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है जी कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है जी, इसमें स्वतः एक प्रश्न उठता है जी कि भारत में मुसलमानों को डरा कौन रहा? अच्छा, अगर कोई डरा नहीं रहा होता जी तो संघ प्रमुख को यह बयान देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो ये संघ प्रमुख को आके बताना पड़ेगा जी किसी अगले इंटरव्यू में कि भारत में मुसलमानों को डरा कौन रहा। अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं कि मुसलमान अपनी श्रेष्ठता का जी अभाव छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि इस बात में तो उनके कोई दम ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि जो मुस्लिम बादशाह या मुस्लिम राज परिवार के लोग थे, अगर उनकी स्थिति आप लखनऊ से जाके और कलकत्ता तक में देखिएगा जी, तो भारत के गरीबतम लोगों में आते हैं। अच्छा, वो श्रेष्ठता की भावना कहाँ पर है? अच्छा, ये बात ही उनकी गलत है। अच्छा, तो विलक्षण प्रतिभा बता दीजिए, कहते रविंद्र भाई विलक्षण प्रतिभा बता दीजिए, कौन सी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे? विलक्षण प्रतिभा मैंने नहीं बोला। अच्छा, मैंने ये कहा है जी कि जो भारत के बादशाह परिवार थे जी, जो मुस्लिम लोग थे जी, उनकी जो वर्तमान जनरेशंस हैं जी, लखनऊ दिल्ली लखनऊ अच्छा, और अच्छा। कलकत्ता में जाके देखिएगा जी, तो वो गरीबतम स्थितियों में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके अंदर श्रेष्ठता की भावना कहां से आ गई? बिल्कुल। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है जी कि हिंदू भावना को बुलाया गया तो भारत बढ़ता गया,
मोहन भागवत जी से मेरा प्रश्न है, हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया है, अच्छा इससे पहले वैदिक शब्द था। जब करीब करीब 1,94,000 साल पुराना इतिहास है भारत का, अंग्रेज कुछ भी लिखते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, अच्छा तब ये वैदिक भारत था, तो वैदिक भारत में किसको किससे खतरा था? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि लाखों लोग मारे गए, तो भगवान राम रावण युद्ध में भी इतने ही लोग मारे गए, महाभारत के युद्ध में इतने भी लोग मारे गए, और जब सम्राट अशोक ने युद्ध किया था तब भी इतने लोग मारे गए थे। तो मुस्लिम धर्म नाम की कोई भी प्रजाति इस पृथ्वी पे नहीं हुआ करती थी, अच्छा और हर हिंदू आप भी हम भी जब पूजा में बैठते हैं तब शुरू करते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ बंटवारा कैसे हुआ, अच्छा तब हम शुरू करते हैं, कोई भी सत्यनारायण जी की पूजा हो तो क्या कह के शुरू करते हैं, आर्यावर्त क्या क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्यावर्त बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ उस चीज को जी, उसमें फिर आता है कि आर्यावर्ते भरत खंडे भारत देश है जी, तो अगर इसका जो बंटवारा हो गया जी आर्यावर्ते भरत खंडे भारत देश है, इसका बंटवारा तो मुसलमानों के आने से बहुत पहले ही हो गया था, अच्छा तो उसके लिए मुसलमान कैसे जिम्मेदार हैं? अच्छा तो अगर इन बातों का उत्तर देना पड़ेगा, तो इसके साथ साथ ही उन्होंने समर्थन करते बयान का कि विरोध करते हैं? हम बयान का समर्थन करते हैं उस अच्छा। हालत में कि जब वो बता दे कि वो स्पष्ट रूप से बता दे कि ये मुसलमानों को भारत में डरा कौन रहा है, अगर इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं तो हम इस बयान का विरोध करते हैं, क्योंकि इस बयान में छुपा हुआ है कि भारत में मुसलमानों को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, ठीक है। उनको यह बताने की जरूरत है कि आखिर डरा कौन रहा है, ठीक है यहाँ समझ गया मैं, यहाँ पर आपका जो समर्थन है वो कंडीशनल है, शर्तों के साथ, ठीक कंडीशनल है, मैं ठीक समझ गया, शर्तों के साथ है संजय सिंह, यहाँ पर शर्तों के साथ समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस बयान पर? मोहन भागवत जी के बयान के सियासी मायने होते हैं, अच्छा। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, अच्छा। उनको भारत जोड़ो यात्रा में 10-20 किलोमीटर 25-50 किलोमीटर चल लेना चाहिए, इनका उससे उनका शरीर न्योता भेज देते, न्योता भेजा है क्या आपने, न्योता भेजा है क्या? अरे न्योता हम न्योता है ही है, सभी लोगों को हमने न्योता भेजा, आपने लेटर भेजा है, न्योता भेजा है, हमको भेज देते प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मोहन भागवत जी, स्मृति ईरानी जी, सबको निमंत्रण है कि भैया जितने लोग के शरीर में और मस्तिष्क में चर्बी ज्यादा चढ़ गई है, अच्छा। वो कम से कम ये कौन सी बयान है, किस तरह बयान है, ये कैसा बयान है, चर्बी ज्यादा चढ़ गई है, चर्बी उतारने की यात्रा कर रहे हैं क्या आप लोग, चर्बी उतारने के लिए यात्रा कर रही है कांग्रेस? अब मैं आ रहा हूँ मुख्य बात, नहीं पहले बताइए ये यात्रा कांग्रेस के जी। चंदेश भाई आपने कहा चर्बी जा चढ़ गई है, तो क्या कांग्रेस की यात्रा चर्बी उतारने के लिए है? जिनके भी मस्तिष्क पर और शरीर पर चर्बी चढ़ जाता है, हाँ। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, अच्छा तो थोड़ा सा स्वस्थ रहने तो ये कांग्रेसियों के लिए है क्या, ये कांग्रेसियों के लिए कह रहे हैं आप, जो चर्बी चढ़ गई है मानसिक रूप से यात्रा कर रहे हैं, सबके लिए हम तो सबके लिए ये सब यात्रा कांग्रेस निकाल रही है ना, हम अपने भी स्वास्थ्य के लिए, पहले तो ये बयान आपके कांग्रेसियों पे लागू होगा ना मेरे भाई, यात्रा कांग्रेस कर रही है, बीजेपी थोड़ा कर रही है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाजपा या कांग्रेस की, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया सब लोग पैदल थोड़ा चल रहे, हाँ। फिजिकली और मेंटली फिट, अरे वो नहीं चलना चाहते आप, चल रहे हैं भागवत को हम तो चल ही रहे हैं इसीलिए तो हम फिजिकली फिट हैं, और मोहन भागवत जी मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, अच्छा मोदी जी अमित शाह जी विकृत हो गए, स्मृति ईरानी विकृत हो गए, अच्छा सुनाइए, और जहां तक यात्रा की आप बात कर रहे हैं, इस यात्रा को हम बार बार कह रहे हैं कि यह देश जोड़ने की यात्रा है, और इस देश की यात्रा का मोटो है डरो मत, डरो मत, और मोहन भागवत जी जो आज बयान दिए हैं कि देश के मुसलमानों को डर, अच्छा आवाज नहीं आ रही चंदेश भाई आपके,
पहले बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी को कि देश का कोई भी मुसलमान किसी से नहीं डर रहा है। अच्छा, और जहां तक उनको लग रहा है कि मुसलमान डर रहा है तो वो अपने आईने में देखे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और मुसलमानों को मात्र नहीं डरा रही है, हिंदुओं से मुसलमानों को डरा रही है। अच्छा, और मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रही है। अच्छा, और इस डर डर में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। जोड़ रहे हैं, और इसीलिए यात्रा के माध्यम से कह रहे हैं डरो मत, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारत 1,35,00,000 लोगों का है और हर नागरिक को संविधान ने गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक दिया है। अच्छा, और वो सर ऊंचा करके जिएगा। अच्छा, किसी को किसी से समर्थन करते हैं, विरोध करते बयान का? देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी के बयान के सियासी मायने होते हैं। वो कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? अच्छा, वो भारत के संविधान है। हाँ, वो भारत अरे अधिकार संविधान ने दिया, आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं वो विकृत है, अधिकार संविधान ने दिया आपको। एसपी है। हाँ, कौन है मोहन भागवत? अच्छा, कौन है मोहन भागवत जो इस तरह से देश में बयान जारी करने का काम करेगा? अच्छा, कौन है मोहन भागवत? एसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, कौन है बताइए? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। अच्छा, पहली बात सुनिए। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कहा कि आप अपने 800-500 साल के इतिहास को मत देखिए और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश मत करिए। मैं भारत के हर नागरिक को कहता हूँ और हमारा संविधान कहता है कि हर भारत का नागरिक श्रेष्ठ है। कोई भारत का नागरिक नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, सब समान है। हमारे संविधान में स्पष्ट है कि भारत के नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, समझे, उसका अनुसरण करे, अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करे। ये भारत का संविधान कहता है। आप मौलिक कर्तव्य उठाकर देख लीजिए, आप मौलिक अधिकार उठाकर देख लीजिए और आप संविधान की प्रस्तावना, राज्य की एकता और राज्य की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे के भाव का संचालन करना है। यदि मोहन भागवत मन से कहते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और शायद फिर उनकी आवाज का कनेक्शन टूट गया है, बयानों का समर्थन करता, लेकिन मोहन जी सही होता है, बार बार मेरे ख्याल से संपर्क टूट रहा है संदेश जी का। मैं कहना चाहता हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है। और मोहन भागवत से मैं पूछना चाहता हूँ, वो उन इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करें जिसके कारण देश गुलाम हुआ। आखिर 1,000 साल पहले भारत गुलाम कैसे हुआ? वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने देश को गुलाम बनाई? वो परिस्थिति थी नफरत की परिस्थिति, वो नफरत की परिस्थिति, वो परिस्थिति डर की परिस्थिति थी। और इसी विचारधारा के टाइप के लोगों ने देश के अंदर नफरत और भाई दिखाकर देश को तोड़ने और बांटने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1,000 साल हम गुलाम रहे। मोहन भागवत जाति व्यवस्था पर बात नहीं करते, मोहन भागवत महंगाई पर बात नहीं करते, मोहन भागवत गरीबी पर बात नहीं करते। देश की सार्वजनिक संपत्ति और कौड़ी पौने के भाव में अडानी अंबानी को बेची जा रही है, मोहन भागवत इस पर बात नहीं करते। मैं आपकी बात का यहाँ जवाब जरूर दूंगा कि हमारे देश में संविधान ने हमको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के तहत यह अधिकार दिया है कि अपनी बात हम कह सके, उसके लिए किसी पद की होने की जरूरत नहीं है। लोग आपको सुने अथवा ना सुने वो जरूरी नहीं है, फिलहाल किसी पद की आवश्यकता नहीं किसी बयान को देने के लिए। जिस तरह अभी आप बयान दे रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री स्मृति ईरानी और मोहन भागवत मानसिक विकृत है, क्योंकि आपने अगर बयान दिया है, आप प्रवक्ता है, बयान दे सकते हैं, पर एक सामान्य आदमी भी अपने बयान दे सकता है, चाहे उस बयान का कोई सुने या ना सुने, असर हो अथवा ना हो। खैर, हमारे बयान लतीफ जुड़े हुए हैं, हमारे पढ़े इमरान भाई, आप मुस्कुरा रहे थे चंदेश भाई की बात पर, मुस्कुराहट क्या थी और मोहन भागवत के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है उससे आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
बहुत बढ़िया। और लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात करें, हिंदुओं की बात करें और देश के एक एक नागरिक की बात करें जी, तो हम किसी के भी बयान को अगर तौलेंगे तो संविधान के आईने में तौलेंगे, संविधान के तराजू पर तौलेंगे। तौल लीजिए। और अगर देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, सबको समानता का अधिकार दिया है, तो मोहन भागवत या कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि मुसलमान अपने आप को बड़ा ना समझे या छोटा समझे। बिल्कुल। तो जहां तक मैं समझता हूँ इनके पूरे बयान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने दोयम दर्जे के नागरिक है मुसलमान ऐसा कुछ कहने का प्रयास किया है। अच्छा। और जो संविधान के अगर तराजू में आप तौलेंगे तो ये जुमला कहीं से कहीं फिट नहीं बैठता है, इसलिए मोहन भागवत के ऐसे बयान को देश का संविधान खारिज करता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान खारिज करता है, तो हम समर्थन करने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल। जहां तक मामला है कि बयान आते क्यों है, बयान दिए क्यों जाते हैं, जब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जब बात होनी चाहिए खेती किसानी पर, जब बात होनी चाहिए बिजली के बढ़े हुए दामों पर, जब बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, जब बात होनी चाहिए महंगाई पर, जब बात होनी चाहिए बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर, जब बात होनी चाहिए कि पूंजीपतियों पर जिस तरीके से देश का खजाना लुटाया जा रहा है, तो उस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी शुभचिंतक हैं, जो जिस भी संगठन में हैं, जो जिस भी पार्टी में हैं, जो जिस भी रूप में इस देश के अंदर मौजूद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचन बनकर हाजिर हो जाते हैं। अच्छा। और इस तरह का बयान देते हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को गरमाया जाए। बीजेपी कौन संकट में? बयान का इसके इससे अतर कोई मतलब नहीं है। इमरान भाई, गौरव भाई, बीजेपी कौन संकट में? अभी संकट भी बता दीजिए, कौन संकट में बीजेपी है? सर बिल्कुल संकट में है, आज चारों तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, नौजवान उनसे पूछ रहा है नौकरियां कहाँ हैं। अच्छा। महिलाएं पूछ रही इतनी महंगाई क्यों है। अच्छा। अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां जहां भाजपा शासित राज्य कानून व्यवस्था का मामला देखेंगे तो सबके जान पर बनाई है, कहीं कोई कानून का राज नहीं दिख रहा है। किसान पूछ रहा है कि हमारी फसलों का वाजिब दाम कहाँ है, खाद कहाँ है, बीज कहाँ है, पानी कहाँ है। बच्चे पूछ रहे हैं सरकारी स्कूल कब ठीक होंगे, बुजुर्ग पूछ रहे हैं अस्पतालों की हालत कब सुधरेगी, तो जो जो लोग सरकारी दफ्तरों में अपना काम कराने जाते हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर त्रस्त हैं, उस पे सवाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बात किया था, इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, लेकिन काम करने के मामले में सिफर सिद्ध हुई है। तो सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं और उन सवालों पर जवाब देने के बजाय, उन सवालों पर बहस करने के बजाय, जो जनता से जुड़े हुए सीधे सवाल हैं, सीधे मुद्दे हैं, उन पर बात करने के बजाय एक बहुत सीधा साधा इनका मामला है, जो इनका जिसमें ये आसानी से जिस मैदान में खेल सकते हैं, इनकी जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उन्माद की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उसको वो अपने बिल्कुल शिखर पर लेकर आते। इस बयान में भी आप साफ साफ देखिए। अच्छा। संविधान कह रहा है कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और भागवत जी कह रहे हैं कि मुसलमान अपने आप को बड़ा ना समझे। अरे अगर उन्होंने ये कहा होता कि सब एक बराबर हैं, अगर मोहन भागवत जी ने यह ऐलान किया होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उनके इस बयान को हम सराखों पे लेते, उनके बयान का स्वागत करते। अच्छा। लेकिन कुल मिलाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वही राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहले से करते आए हैं, बांटने की राजनीति। अच्छा ठीक है, डिवाइड भाई एक सवाल रहेगा आपसे, और मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति। इमरान भाई, आप जब प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा पर, ये मुस्कुराहट के कारण क्या था, थोड़ा ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पे तो भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे, दूर दूर से हम देख रहे हैं। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा की जब भी बात होती है तो थोड़ा सा हंसी आ ही जाती है। अच्छा। क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। हाँ। और जहां गलती से जनता इनके विधायकों को जिता देती है वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। अच्छा। और जो इनके पुराने पुराने जर्राट नेता हैं, पुरैठ नेता हैं। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ो यात्रा पे निकले हैं। अच्छा। तो पहले तो बेहतर ये था कि कांग्रेस को जोड़ लेते, विधायकों को पकड़ लेते, उसके बाद भारत जोड़ो की मुहिम चलाते तो बेहतर होता, लेकिन बहरहाल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा कुल मिलाकर यही है कि नफरत की राजनीति को जिस तरीके से गरमाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के के जरिए। अच्छा। उसको ये कहीं से भी देशहित में नहीं है, ये कहीं से जनता के हित में नहीं है। ठीक है, ठीक है। और मूल मुद्दों पर सवाल, मूल मुद्दों के जो सवाल हैं उस पर भाग देना चाहिए, उनके रहनुमाओं को जवाब देना चाहिए, उनके आकाओं को जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आमिर भाई, कैसे मूल्यांकन करेंगे यहाँ पर नेता भाजपा रविंद भाई, चंदेश भाई और इमरान लतीफ की बात का? जी बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए, मुद्दा है
जो अभी आपने जैसे कि बताया कि मोहन भागवत जी का बयान, जिन चारों की बात तो अपनी बात की बात है, इन्होंने तो अपना तज्जिया किया है, समीक्षा की है जी। लेकिन मुद्दा है कि मुसलमान डरा हुआ ना समझे, तो बड़ी बात यह है गौरव जी कि मोहन भागवत ने ये समझ कैसे लिया कि मुसलमान डरा हुआ है। अच्छा, पहला सवाल तो ये, बींग ए मुस्लिम बींग ए पत्रकार, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी ने समझ के इसलिए कि मुसलमान डरा हुआ है, और दूसरी बात अहम जो कही गई है कि वो मुसलमान अपने को बड़ा ना समझें। गौरव अच्छा। जी 75 वर्ष हो गए इस देश की आज़ादी को, इस 75 वर्ष में मुसलमानों ने अपने को बड़ा कहाँ पर समझा वो बताएं। हाँ, उस जगह पर बड़ा जरूर समझा जहाँ पर देश के लिए प्रति कुर्बानी देने की बात आई तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहाँ पर देश के लिए पसीना बहाने की बात आई तो मुसलमानों ने अपना खून बहाया, और ये एक जगह नहीं है, तमाम चाहे कश्मीरी बॉर्डर पर रहा हो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहा हो, चाहे पाकिस्तान के टैंक तोड़ने की बात की हो, मुसलमानों ने वहाँ अपने को बड़ा समझा नहीं बल्कि बड़ा करके दिखाया गौरव जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है। अब सवाल बात रही कि मुगलों और देश की आज़ादी के बीच में लगभग 200 वर्ष का फासला रहा है, और 200 वर्ष अंग्रेजों ने हुकूमत किए, तो मेरी समझ में नहीं आता है गौरव जी कि ये आरएसएस वाले भाजपा वाले अंग्रेजों को तो कभी बुरा कहते नहीं है, घुमा फिरा के भाई क्या अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिंदुओं को, या मैं हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि ये देश सबका है, क्या इस देश की जनता को अंग्रेजों ने नहीं कुचला, अंग्रेजों ने नहीं मारा, अंग्रेजों ने कैसी खून की होलियां खेली है इस देश के अंदर, ये इतिहास साक्षी है गौरव जी। मैं कोई लफादी चैनल पर बैठकर नहीं कर रहा हूँ, इतिहास साक्षी है, और मुझे नहीं लगता है जब तक इस देश सूरज चांद रहेगा धरती पर तब तक ये इतिहास सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता रहेगा और लिखा जाता रहा है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से किस क्रूरता से जुर्म किए, लेकिन कोई भाजपाई कोई संगी कभी अंग्रेजों को बुरा नहीं कहता जब लेके आते हैं मुगलों की बात, क्योंकि इसी से इनकी राजनीति चलती है, इसी से प्रचंड बहुमत में आए हैं, कभी बाबर के नाम पर, कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी अकबर, क्या है गौरव जी। अरे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अलग हट के मोहन जी को बात करना चाहिए, और जहां तक आ रहे ये गोडसेवादी लोग, ये गोडसे समर्थक लोग, ये गोडसे संघी लोग, ये क्या हिंदू मुस्लिम, अरे भाई इससे बाहर निकलिए, आप देश सेवा की बात करिए, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत खूनरेजी हो गई, बहुत खून की होलियां खेल ली गई गौरव जी, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब आप खंडित करने का काम ना कीजिए, अखंडता की बात करते हैं तो ईमानदारी से अखंडता पर आइए और देश की अखंडता को बचाइए। इन बयानों से यकीनन मैं स्पष्ट कह दूं देश खंडित ही होता रहेगा, अखंड कभी ना बन पाएगा। आप जो लफादी करते हैं अखंडता की बात, ये सिर्फ लफादी रह जाएगी, और आप देश को खंडित करने की बात कर रहे हैं, हमें बताइए किस मुस्लिम मौलवी ने, कि मुस्लिम नेता ने, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का रहा हो या वो कोई मजहबी नेता भी रहा हो मुस्लिमों का, कब उसने अपने को बड़ा समझा। मैं फिर कह दोहरा दूं, मुसलमानों ने बड़ा समझा नहीं है लेकिन बड़ा करके दिखाया है गौरव जी, ये इतिहास साक्षी है, हमने इतिहास लिखा नहीं है, हमने इतिहास बनाया है। मैं बहैसियत एक पत्रकार के और बहैसियत एक मुस्लिम के भाजपा नेताओं से और आरएसएस नेताओं से कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में, हमारे अभी भाजपा प्रवक्ता या हमारे नेता रामनिवास यादव जी ने शुरू में कहा था, जो शुरुआत की थी यहाँ से, कि मुगलों ने ऐसा किया, अरे वो छोड़ दीजिए, 75 वर्ष ये हो गए, 200 साल हैं वर्ष, पौने 300 साल हो गए मुगलों गए हुए, क्यों मुगलों के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, क्यों मुगलों के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं, क्यों मुगलों के नाम से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, खत्म करिए, मुगलों को आप ही लोग जिंदा करे हुए हैं। कभी किसी मुसलमान को औरंगजेब बाबर हुमायूं का नाम लेते देखा आपने, अगर देखा हो तो बता दीजिए। ठीक है रामनिवास भाई, किस तरह बयान देते हैं रविंद्र भाई की बार बयान पर, चंदेश भाई कह रहे थे कि आपके स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे मानसिक विकृता के लोग हैं, चर्बी दिमाग में हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा में आ जाए, थोड़ा टहल ले ठीक हो जाए। नहीं, कांग्रेस के मेरे मित्र और आम आदमी पार्टी के जी इतने हल्के व्यक्ति लोग हैं कि इनको शायद बात करने की तहजीब नहीं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत को कहा है जी, और जैसे उन्होंने कहा कि जिनकी चर्बी ज्यादा उन्हीं को आना चाहिए जोड़ो यात्रा में, निश्चित रूप से अगर इनको लगता है कि राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेसियों की चर्बी चढ़ी है, हाँ, तो शायद ये उतारने काम कर रहे, तो इनको इनका अपना काम है। अच्छा, इससे भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों को कोई संबंध नहीं है। अच्छा, चर्बी भाई, अगर चर्बी इनकी चढ़ी है तो उतारे, क्या करना हमको। अच्छा, और रही बात, अभी आमिर जी कह रहे थे, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बात जब मुगलों की आती है, बाबरी मस्जिद और तमाम जो मुस्लिम समाज के तमाम प्रतिष्ठान हैं, वो बाबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, तमाम रोडे हैं, क्या कभी किसी मुसलमान भाई, मुसलमान
समाज के मेरे भाइयों ने कभी कहा है कि बाबर हमारा आदर्श नहीं है, ये बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए, हुमायूं के नाम पे नहीं होना चाहिए और औरंगजेब के नाम पे नहीं होना चाहिए। मैं नहीं, आमिर जी, मैं इस विषय पे आगे बढ़ना चाहता हूँ जहाँ आपने मुझे रोक दिया था। बोलिए बोलिए।
कि आदरणीय मोहन भागवत जी अगर चाहते हैं जी कि भारत में मुसलमान न डरे, अच्छा, तो पहले उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और तमाम मुख्यमंत्रियों को समझाना पड़ेगा। अच्छा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानपुर में आते हैं और शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं तो मुसलमान में भय आएगा। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमान एक लड़की लेके जाएगा तो हम उनकी 100 लड़की लेके आएंगे तो मुसलमान डरेगा। गलत बोल रहे हैं। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री हिजाब का विरोध करते हैं, जब हिजाब का विरोध करते हैं तब मुसलमान बयान कब दिया, बयान बता दीजिए कब दिया बयान। ये जब रामाशंकर यादव जी इसीलिए मैं कहता हूँ समाज भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, यूट्यूब में खोज के देख ले। अगर उनको उनको जानकारी नहीं है तो अपना आपको चैलेंज नंबर दे दे। आप बता रहे कब कहा भाई बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जब रामाशंकर यादव जी जो हमारे सांसद हैं जो जेल में बंद हैं ये बीच में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे गफलत में, अच्छा। उनके प्रचार में आजमगढ़ में गए थे और मैं वहां पर मौजूद था, मैं मौजूद था वहां पे, अच्छा। तब उन्होंने यह बयान दिया था, यह बयान हाई लोअर कोर्ट में भी दर्ज है, हाई कोर्ट में भी दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज है, उनको मालूम नहीं है इसलिए चुपचाप बैठे हैं उन्होंने। अच्छा, फिर मैं अगली बात कहता हूँ, बोल लीजिए। अगर अगर भारत से मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता है दो तरीके से, वर्तमान भारत की बात देखते हैं, ये कौन कह रहा मुसलमान अलग हो गए, नहीं भूल सकते हैं। किसने कह रहे मुसलमान अलग हो गए हैं, हम सुन लीजिए पहले, हम कहते हैं कि वीर अब्दुल हमीद को अलग नहीं कर सकते, कैप्टन उस्मान को अलग नहीं कर सकते, महामहिम राष्ट्रपति को अलग नहीं कर सकते, और अगर इस्लाम का और भारत का रिश्ता देखा जाए तो आज का नहीं है। अच्छा, हम अयोध्या जी हमारी पूज्य भूमि है तो अयोध्या जी में ही पैगंबरे इस्लाम के जो पुत्र थे हजरत शीश की भी वहां पर मजार बनी हुई है। अच्छा, और अगर हम कश्मीर में देखते हैं हजरत बल में तो पैगंबरे इस्लाम का बाल वहां पर रखा हुआ है, आप अलग नहीं कर सकते हैं, आपको ये प्रेम की भावना लानी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि राजनीति कर हम इस्लाम को राजनीति का केंद्र बना के भारत का विभाजन करके वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, यह निंदनीय बात है, पूरी तरीके से निंदनीय बात है। और एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, बोल लीजिए, कि जब जब बात मुसलमान की चल रही थी तो मोहन भागवत जी को एलजीबीटी कहां से नजर आ गया। अच्छा, क्या हम अपेक्षा करेंगे विश्व के सबसे बड़े संगठन स्वयंसेवी संगठन का व्यक्ति एलजीबीटी पे बोलेगा? अच्छा, नहीं बोल सकते क्या? हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं थी। अच्छा, अगर वो इस्लाम से चलते चलते एलजीबीटी पर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान निंदनीय हैं, और जहां पर एलजीबीटी की बात चल रही वहां पर चलने दे, उनका विषय नहीं है ये। अच्छा, तो भारत में ना मुसलमान डरा है ना डरेगा, जितना हक हिंदू का है डरा नहीं डरेगा। फिर इतना बोल रहे हैं कि वो स्पष्ट कर दे, प्रधानमंत्री को समझा दे, मुख्यमंत्री समझा रहे, मेरी समझ से परे है, आप कह रहे हैं वो लोग जी, वो लोग डराने का प्रयास करते हैं। अच्छा, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, अभी कर्नाटक में हुआ। अच्छा, और फिर जब जैसे कोई बात आती है तब आप बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का लेके बात आ जाते हैं। अब तो मुद्दा हल हो गया भाई, क्यों बंटवारा कर रहे हैं जिसमें फैसला हो चुका है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, क्यों आप उस बात को लेके आते हैं जी? और आज के किस संदर्भ में ऐसे, ऐसा क्या संदर्भ था जी? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरक्षण पे बोल दिया, और अभी अभी आज क्या संदर्भ था कि मुसलमानों को ऐसा आश्वासन दे कि डरने की जरूरत नहीं है? अच्छा, तो हाँ, इस बयान की निंदा भी समाजवादी पार्टी करती है कि भारत भारतीय संविधान में आ गए, ठीक है, अब शर्तों से निंदा पे आ गए। भारतीय संविधान ने जहां पर सबको समान अधिकार दिया है, अब शर्तों से निंदा पे आ गए, ठीक है, चंदन भाई को लेता हूं। संघ जो है, चलिए, संघ प्रमुख आगे है, नहीं कर सकते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बयान नहीं चेंज किया है मैंने भाई। अगर बयान चेंज भी कह रहे हैं, पहले आपने कहा शर्तों के साथ समर्थन करते हैं, अब कह रहे हैं मैं निंदा करता हूं, तो बयान तो बदल ही गया। मैंने शर्तों
आप रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने उनसे पूछा है कि मुसलमानों को डरा कौन रहा है। बिल्कुल ठीक है, यही कहा था मैंने। ठीक है, बयान मेरा नहीं बदला है और ना बदलेगा। भारत का संविधान ना बदला है ना बदलेगा। ठीक है रमन भाई, ठीक है। उनके बोले उनके पास उनके पास बहुमत है और वो संविधान को बदल के देख लें और बदल के देख के अपनी हैसियत देख लें, भारतीय जनता क्या करती है वो। ठीक है रमन भाई, ठीक है। संदेश भाई बहुत देर से आप उंगली उठा रहे थे और यहाँ पर अमर भाई जब बोल रहे थे तो आप उनको थम्स दिखा रहे थे, यहाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर समर्थन दे रहे थे आपको। देखिए नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बातें कही हैं वो समर्थन करने योग्य है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मैंने बार उठा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को जी मुगलिया शासन से बड़ा नफरत है। अच्छा, निसंदेह 700-800 साल मुगल शासन और लगभग जो है 200 साल ब्रिटिश शासन। अच्छा, ये भारत के इतिहास पर काला धब्बा है। अच्छा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है जी? हमारे अंदर कौन सी कमियां रही कि छोटे छोटे प्रांतों से आक्रमणकारी आए, हमें जीते और हमारे यहाँ अपनी सल्तनत को स्थापित करिए, अपनी सत्ता को स्थापित करिए। उन कमियों पर हमें विचार करना होगा। अच्छा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस और भाजपा के लोग एक बार पुनः उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण कर रही। अच्छा, तो यहाँ कौन आने वाला है? मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, जल्दी बोल लीजिए। ऋग्वेद में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखेंगे तो उस दौरान भी कोई देश के अंदर जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को जोड़कर और फिर जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? अच्छा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया? अच्छा, किसने बौद्ध मठों को ढहाया? अच्छा, किसने बौद्धों का कत्लेआम इस देश में कराया? वो कौन था जिसने 2000 साल से अधिक समय तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और महिलाओं का बड़े पैमाने पर इस देश में शोषण किया? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, नफरत देश को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अच्छा, वही नफरत था, आपने जाति व्यवस्था के आधार पर अनुसूचित जाति जनजातियों से नफरत किया और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि अफगान से आया हुआ एक लुटेरा भारत पर हमला करके भारत पर अपनी सल्तनत स्थापित कर दिया। अच्छा, आज उस कमी पर विचार करना है। ठीक है, और एक बार जी फिर आरएसएस और भाजपा के लोग इस तरह की परिस्थिति का देश में निर्माण कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे ने किसी मुसलमान की हत्या क्यों नहीं की? यदि वो मुसलमान विरोधी था तो, यदि वो राष्ट्रवादी था तो किसी अंग्रेज की हत्या क्यों नहीं की? अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? और यदि इनका मुसलमानों से इतना नफरत था तो जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार क्यों बनाई? अच्छा, इन्होंने बताइए कि जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने स्वीकार क्यों किया जी? ये बताओ कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग क्यों नहीं लिया? चले पूछ लेता हूँ, बता दीजिए मेरे भी ले लीजिए। एक भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी को चल ठीक है संदेश भाई, दो सवाल मेरे भी ले लीजिए, रामनाथ भाई जवाब देंगे। दो सवाल मेरे, आपने कहा कि इनको मुगलिया साम्राज्य से नफरत है, आपको प्यार है क्या? क्या हुआ, आपको प्यार है क्या? बीजेपी को नफरत है, आपको प्यार है क्या मुगलिया साम्राज्य से? ऐसा है जी कि मुगलिया सत्रह सब इच्छा का विषय। अच्छा, और हमें ना मुगलिया सत्रह से प्यार है, अच्छा, ना अंग्रेजों से प्यार है। अच्छा, मुगलिया सल्तनत इनकी राजनीति का विषय है। अच्छा, और मुगल सल्तनत का के परिवार का, बाबर के खानदान का एक भी व्यक्ति भारत में नहीं है। अच्छा, बहादुर शाह जफर रंगून चले गए, वहां से उनके परिवार का क्या हुआ कोई नहीं जानता। बता रहे कि बहुत गरीब जी रहे हैं जो मुसलमान है,
भारत में जो मुसलमान है, सुन लीजिए, भारत में जो मुसलमान है वो अफगानिस्तान से आया हुआ नहीं है, वो इसी मिट्टी का है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी का रहने वाला है। इसलिए मुगलिया सल्तनत बहादुर शाह जफर के बच्चों को तो अंग्रेजों ने पहले ही कत्ल कर दिया था, हिंदुस्तान में ही है, उनको डराने की ये हिंका मत मत करें, इन्हें बताना पड़ेगा। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत से हमें प्यार है, अरे हमें अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं प्यार ना बता रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं बीजेपी नफरत है, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ आपको प्यार है नफरत है, सुनिए अपना स्टेट बताइए। 35 करोड़ भारतीयों से प्यार है, और जो भारतीयों को हिंदू मुसलमान की नजर से, ठाकुर बनिया के नजर से, ब्राह्मण लाला के नजर से, शूद्र और सवर्ण की नजर से देखेगा, उससे हमें नफरत है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, जो भारत के लोगों को डराने की बात करेगा, चले ठीक है, कोई नहीं डरेगा, भारत सबका, कोई नहीं डरेगा, ठीक है। रामनाथ भाई जवाब दीजिए भाई। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे जी, मुझे हंसी आ रही थी जी, कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा में हाँ। राहुल गांधी जी को पूरे देश के लोग पप्पू समझते हैं। अच्छा, वैसे ये इन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूँ हाँ, जैसे हाँ। इन्होंने कहा कि जिन्ना के साथ मिलकर संघ ने सरकार बनाई, ना तो कभी सरकार बनाई ना कभी जिन्ना से संघ मिला, तो मुझे लगता है पप्पू यहाँ भी आ गए, क्योंकि इनको पता ही नहीं पप्पू है कि नहीं है, क्या है जी, कि भाई जब इनको पता ही नहीं कि आरएसएस ने बताओ आपके जिन्ना के साथ सरकार बनाई, प्याज की कीमत बढ़ गई, मैं प्याज नहीं खाता, बता रहे थे ना कि जिनके ज्यादा चर्बी चढ़ी है, आपके बीच में दिमाग की संतुलन नहीं ठीक है, उनको यात्रा में जाना चाहिए, यात्रा में गए होंगे या जाने वाले होंगे तो चले जाएं, शायद चर्बी इनकी उतर जाए। अच्छा, क्योंकि इनको ना इतिहास जानकारी है, मंच पे आ गए, अरे भाई चले जाइए, कह रहे चर्बी उतर जाएगी, जैसे राहुल गांधी हाँ। रुपयों को लीटर में तौलते हैं हाँ। सोना बनाते हैं, वैसे इनको ये नहीं पता है कि जिन्ना के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार कब बनाई, संघ ने सरकार कब बनाई, जब इनको जानकारी ही नहीं, जो है एक जिन्ना के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई, बताओ जरा इतिहास की जानकारी है तो बताओ कि आरएसएस अंग्रेजों का एजेंट था कि नहीं था। अच्छा, बताओ भैया इतिहास जानकारी है कि आरएसएस के जो हाफ पैंट वाले गुंडे हैं वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिए, बताओ भाई, हाफ पैंट वाले क्या बताओ, बताओ आप ये बताओ, नाथूराम गोडसे जो है, नाथूराम गोडसे जो है वो मुसलमानों की अंग्रेजों की हत्या क्यों नहीं की, क्यों गांधी की हत्या की, बताओ बताओ भाई। अच्छा, अरे भाई तो आप बताओ कि आज जानकारी है तो आप आतंकी संगठन तालिबान के साथ छुप छुप कर क्यों मिलते हो। अच्छा, बताओ इतिहास की जानकारी है जी, बताओ कि बौद्ध ब्रिज को किसने कटवाया, बताओ बौद्धों को जैनों की हत्या इस देश में किसने करवाई। अच्छा, इतिहास बताओ कि किसने इस देश में जाति व्यवस्था को फैलाया, जाति के नाम पर हमारे समाज को तोड़ने और बांटने का काम किसने किया, बताओ इतिहास, तुम जानते हो, हम आपसे इतिहास जानना चाहते हैं, आप बताओ इतिहास क्या है, जैसे बता रहे आप बताओगे इतिहास किसने कराई, अंग्रेजों की दलाली करते हुए पैदा हुए मुगलिया शासन ने कराई, इसकी तारीफ करते हैं, हमें बोलना पड़ेगा ना, कहते नहीं अंग्रेजों के दलाल बताएंगे इतिहास इस देश का, अरे हम बताएंगे इस देश का इतिहास क्या है। चलिए चंदे भाई जवाब जवाब बताओ, मैं उस राणा प्रताप को मानता हूँ जो अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर दिए, मैं उस सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को मानता हूँ जो अपने मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व को त्याग किए, आप बताओ आपको मानते हो वही श्यामा प्रसाद जिसने राष्ट्र के साथ मिलकर बनाने का काम किया, बताओ की राष्ट्र नहीं था मिलकर हो गया भाई, हो गया वो बताओ सावरकर राज्य नहीं था जिसने जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया, बताओ। चले बोलिए रामनाथ भाई जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, जैसे कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे जी, क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी ही नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं कि कभी जिन्ना के साथ हमारी सरकार बनी नहीं। अच्छा, और जैसे वो कह रहे कि 9 करोड़ जैनियों की हत्या, अरे जिस मुगलिया शासन की ये तारीफ करते हैं जिनके बारे में बोलने में इनकी तारीफ भी नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों ने हत्या की, तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, और किसी ने की 75 सालों तारीफ करेंगे, 50 साल से सत्ता में रहे, 8 साल से हम हैं, 5.5 साल पहले थे, कार्यकाल में कभी किसी की हत्या हुई नहीं, 1000 सालों का इतिहास, जब हत्या हुई उनका नाम लेकर चलते हैं,
मैंने कहा ना कि एक बड़े हमारे समाज को जाति के नाम पर इसलिए ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए गुलाम हुआ और उसके कारण छोटा पप्पू बोल रहे हैं संदेश भाई संदेश जी संदेश सुन लीजिए रामनवमी भाई बोल रहे हैं कि वो बड़े पप्पू या छोटे पप्पू आपको जवाब देने जवाब की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 50 साल देश में राज किया है ये तो अभी राज की है कौन हत्या करा दिया जवाब दीजिए संदेश भाई चलिए जी ये बताएं कि 8 साल में इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा था चला इसी पर बात कर रहे करेंट पर इन्होंने कहा था 81 को क्योटो बनाएंगे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे विदेश से काला बुलेट ट्रेन चलाएंगे प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे दिया क्या अच्छा तो जो 8 साल देश के अंदर यही समस्या है अरे हमने तो कम से कम हमने कहा ना कि वो छोटे लोकतंत्र स्थापित किया हजारों साल से जो देश गुलाम था उस देश को संविधान ने जीने का अधिकार दिया उस देश के नागरिकों को संविधान ने अधिकार देने का उधर भारत तोड़ो यात्रा में बड़े पप्पू इधर आपके मंच बैठे छोटे पप्पू इनको पता ही नहीं कि किस विषय पर बात करनी है न इतिहास की जानकारी है अरे हमारी सरकार 8 साल से बीच साढ़े 13 सालों में बताओ इतिहास हमने कौन से जैनों की हत्या कर दी कौन से बौद्धिस्टों की हमने हत्या कर दी हमने तो देश को बढ़ाने काम किया हमने हत्या की है उनकी जिन्होंने लोगों ने देश तोड़ने काम किया जिन्होंने आतंकवाद जैसी घटनाएं किया उनको मारने काम किया है अरे किसी जैनियों का नहीं किया क्योंकि आपको इतिहास की जानकारी नहीं और जो राष्ट्र के लिए काम करता है अब्दुल कलाम जी की तारीफ कभी नहीं करेंगे जब अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने लिया इन्होंने लिया समझ में आ गई मुद्दे में समझ कुछ नहीं आया खड़ा कर रहा है इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता भाई ये हादसा जी हो गया आपका आपकी बात आ गई चंदन जी आपकी बात आ गई आपकी बात आ गई चंदन जी चंदन सिंह आपकी बात आ गई चंद्र सिंह जी आपकी बात आ गई हो गया हो गया इमरान भाई अपनी बात पूरी करिए जी बोलिए देखिए गौरव भाई अभी तो सबसे पहले मैं अपने भाजपा के मित्र को एक जगह पे करेक्ट करना चाहूंगा जी इन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई जी आजादी से पहले 3 राज्यों में इनके पुरखों का जो संगठन रहा हिंदू महासभा अच्छा उसने 3 राज्यों में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई बंगाल में हाँ सिंध प्रदेश में अच्छा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आजादी से पहले अच्छा। इनका जो इनका इनका तो एक तरह से मातृ संगठन कह लीजिए हिंदू महासभा है अच्छा। और एक जगह पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ बनी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे तो ये पूरा सीधा सीधा मामला ये साफ न कर रहे हैं कि इन्होंने सरकार नहीं बनाई अच्छा। या तो ये इनकार कर दे कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कि ये फॉलोवर नहीं है उनको मानते नहीं है अच्छा। अगर ये बात मान लेते हैं तो चलिए हम मान लेते हैं उन्होंने सरकार नहीं बनाई अच्छा। लेकिन अगर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इनके आदर्श हैं इनके इनके वैचारिक नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने उनके साथ सरकार बनाई है जिन्ना की पार्टी के साथ ये साफ दिखता है कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे हिंदू महासभा से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक तो साफ एक बात आपकी बात में सर मैं और जोड़ दूं यदि ये देश मुगल सल्तनत को स्वीकार करता या अंग्रेज को स्वीकार किया होता तो आजादी के बाद भारत सरकार का कोई भी आप दफ्तर बता दीजिए जिसमें मुगल सल्तनत के किसी व्यक्ति का या फिर किसी अंग्रेज अधिकारी का पोस्टर लगा हो आपको एक सरकारी दफ्तर बता दीजिए कोई एक चौराहा बता दीजिए जिसमें मुगल सल्तनत के किसी शासक का कोई मूर्ति लगा हो भारत के हर जिले में आपको राणा प्रताप का फोटो मूर्ति मिल जाएगा चौराहे पर लेकिन अकबर का मूर्ति नहीं मिलेगा इस देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग मत करें ये मैं कहना चाहता हूँ उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए भाई उनकी बात पूरी बोलिए इमरान भाई बात पूरी करिए
दिल्ली पुलिस, कुल मिला के यही बात मैं कह रहा हूँ, रोड दिल्ली में है, इनके जो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे हैं वो कहीं से भी कभी देश हित का काम उन्होंने नहीं किया। आजादी के आंदोलन के टाइम पे आंदोलन को कमजोर करने में लगे रहे, अंग्रेजों को खुश करने में लगे रहे, इन्होंने 52 साल तक अपने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अगर आजादी के पहले की बात करें तो जिन्ना की पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, आजादी के बाद की बात करें तो कश्मीर के अंदर अफजल गुरु जैसे खूंखार आतंकवादी को शहीद कहने वाली पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, बिरयानी खाने या पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान की एजेंसी से अपने देश की जांच कराते हैं, तो इनसे साफ पता चल रहा है। एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किए थे और अंग्रेजों को पकड़ लिए थे कि वो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचले गए, पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी हमारे डिबेट यात्रा का मंत्री मेरे डिबेट ठीक है, धन्यवाद भाई, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। नहीं गौरव भाई, जिस तरह से मैंने कहा ना कि ये छोटे पप्पू इधर बैठे हैं और उन्हीं के सहपाठी बगल वाले बन गए, नहीं नहीं मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको इतिहास की जानकारी नहीं। सवाल का जवाब दीजिए भाई, अगर की बात मत, अगर देश में आपने सरकार बनाई कि नहीं बनाई, श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बने, उनका विरोध किसने किया? उनका विरोध अगर सबसे पहले किसी दल ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के प्रति जो भी अच्छा व्यवहार करे, देश को आगे बढ़ाने में जो भी मुस्लिम समाज का हमारा साथी आगे बढ़े, उसका सबसे पहले विरोध कांग्रेस करेगी, क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है, इनको तो इनके परिवार क्यों करते थे, गांधी परिवार के साथ है उसको मानते हैं कि वो हितैषी है देश का। भाई अब्दुल कलाम जी का विरोध इन्होंने नहीं किया था, पहले उनका समर्थन नहीं किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया, इतना बड़ा सम्मान दिया उनको भारत दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया आज, लेकिन वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज को अपना हितैषी दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। कि सभी हमारे पैनलिस्ट मुद्दों से भटके, देखिए बात चल रही थी डर और भय की। देखिए गौरव जी, बहुत स्पष्ट मैं बता दूं, देश आजादी के बाद से अब तक बहुत बड़े बड़े इस देश में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम मुसलमान कभी नहीं डरा, दंगों का सामना भी किया, दंगों पर मरहम भी लगाया और एकता की यात्राओं में भी शामिल हुआ, लेकिन मुसलमान डरा नहीं। अफसोस और शर्मनाक बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बनने के बाद से 40 करोड़ मुसलमानों से 90 करोड़ हिंदुओं को डरा डरा कर रखा गया और आज तक डराया जा रहा है। गौरव जी बड़ी स्पष्ट सी बात यह है, और एक बात मैं और साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि अयोध्या को लेकर के, तो अयोध्या को मुसलमान खुर्द मक्का यानी कि छोटा मक्का मानता है, और वहाँ पैगम्बर इस्लाम के पुत्र नहीं बल्कि दो नबियों का, एक नबी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की कब्रगाह है वहाँ पर और दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बहुत बड़े नबी हुए हैं, ये हज़ारों वर्ष पुरानी बात है, उनकी जो कश्ती थी उसका भी एक टुकड़ा वहाँ मौजूद है, इसीलिए मुसलमान जो खुर्द मक्का मानते हैं, पैगम्बर इस्लाम का वो कोई वहाँ पुत्र वुत्र नहीं है। पैगम्बर इस्लाम से बहुत पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम हुए, शीश अलैहिस्सलाम तो आदम के ही बेटों में थे, आदम के बाद आए, तो ये हजारों लाखों वर्ष पुराना एक वहां का इतिहास है जो है। बाकी मुसलमानों ने इस देश में इतिहास बनाया है गौरव जी, लिखा कम है बनाया ज्यादा है, और ये मैं बता चुका हूँ, तमाम जगह पर मुसलमानों ने अपने को बड़ा साबित किया है, बड़ा बनने की कोशिश नहीं की है बल्कि बड़ा साबित किया है, चाहे वो पाकिस्तान का टैंक तोड़ा हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा हो, चाहे कश्मीर में अभी अटल जी की सरकार में कश्मीर में वो क्या बोलते थे उसको, उसको जीता हो, बहरहाल मुसलमानों ने बड़ा काम किया है देश का, और भाजपा नेताओं ने और संघ नेताओं ने हमेशा माफी मांगी अंग्रेजों से भी और भागे पीछे, किसी मुसलमान का इतिहास नहीं माफी मांगकर भागा। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बयान है, राजनीति है और वो चलते रहे, पर इन बयानबाजों से हमको कुछ सीखना भी है, समर्थन भी देना है, विरोध भी करना है। अगर बयान आपके लिए बेहतर है तो समर्थन करना चाहिए, अगर खराब है तो विरोध करना चाहिए। वैसे भी एक बात हमेशा कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसी व्यवस्था के साथ रहिए, जब हम एक साथ रहेंगे एकजुट रहेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा, विकास करेंगे और भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना देख रहा है उसको पूरा हो सकता है। आखिरी में एक ही बार कहना चाहूँगा, मोहम्मद इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।